दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। अगर देखा जाए 8085 पदों का जो फाइनल मामला है वो प्रोसेस में चल रहा है, उसी को दरकिनार करते हुए 2024 में एक और लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आपके बीच में जारी किया जा रहा है, जिसमें देख पा रहे हैं लगभग 7000 पदों के विज्ञापन की बातें कही जा रही हैं। और आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार जो भी लेखपाल की भर्तियां आती हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पैट के तहत आती हैं, लेकिन अब कौन से पैट के तहत आएंगे, क्या 2022 के तहत आएंगे कि 2023 के तहत आएंगे, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। और यहाँ पीटी 2023 से आएगी यह भर्ती, ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं, और यहाँ पैट 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा, आवेदन कब से होगा, और जो पुराने भर्ती प्रोसेस में चल रही है 8085 पद, उसका जो नियुक्ति पत्र है वो कब दिया जाएगा, तो फाइनली हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देख लीजिए आज के पेपर कटिंग है, यहां कहा जा रहा है लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, कहा जाए प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपाल के लगभग 4700 और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है बीते 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के लेखपाल के 4697 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को भेज दिया है। ठीक है, आगे प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं, जिनमें 12,697 पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ आयोग ने लेखपाल के 8085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। आगे कहा जा रहा है लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग के गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए 7,720 को नियुक्ति पत्र के लिए राजस्व परिषद को जो है संस्तुति की थी। आयोग की ओर से परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए जो है संस्तुति अभ्यर्थियों को मंडलवार आवंटन कर दिया है। यहाँ आपने देखा, लगभग हम बात करें तो 7000 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो आपके बीच में आना है, और कहा जाए पीटी 2023 की यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। अब सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार पीटी 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो पीटी 2023 के रिजल्ट की हम बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी में 100% आ जाएगा। और जो नई भर्ती है इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका नोटिफिकेशन भी चुनाव के पहले बिल्कुल आ जाएगा। जैसे ही ये पुरानी भर्ती आपकी प्रोसेस में चल रही है 8085 पदों की, ये भर्ती जैसे ही फाइनल होती है तत्काल आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन किसी कारणवश वो सिलेक्शन से बाहर हो गए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सुनहरा अवसर है। आप लगे रहिए, आपके बीच में एक और भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग। और यहाँ जो पुरानी भर्ती चल रही है उसका जो फाइनल नियुक्ति पत्र है, मैंने आपको बताया है 15 फरवरी के आसपास में 100% आपका जो फाइनल नियुक्ति पत्र है वो आपके हाथों में होगा। ठीक है, बाकी अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल जो है पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।